जो वीडियो देखेगा उसका ही बने खाने का मन। बोली छोटी की अम्मी बनाएंगे, छोटी भी सीख रही है। बनाएंगे आलू, छिल रही है छोटी इधर, और इधर पत्ता गोभी। तो दीदी अच्छे से मिला रही है। हेलो दोस्तों, स्वागत है रूप छोटी ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम कुछ स्पेशल बना रहे हैं, चलिए आप लोग को मैं दिखाऊंगी वीडियो। क्या स्पेशल बना रहे हैं हम लोग? स्पेशल तो चलिए आप लोग को मैं दिखाती हूँ। इधर देखिए गरम हो गया है कढ़ाई, दीदी अभी सब्जी बनाएगी। इधर आलू है, आलू है, इधर पत्ता गोभी है, इधर प्याज काट के रखी है दीदी। इधर दीदी तेल डाल रही है, इधर दीदी प्याज डाल दी है। तो आज कुछ स्पेशल बनने वाला है दोस्तों। तो पहले सब्जी बना रही दीदी, कुछ बनेगा तो आप लोग को दिखाएंगे क्या बना रहे हैं हम। तो दीदी आलू डाल दी, आलू तो आलू को भी फ्राई कर रहे हैं हम। उसके बाद कुछ स्पेशल चीज बनाएंगे तो आप लोग को वीडियो में दिखाएंगे वीडियो में। तो सब्जी देखिए रेडी हो चुका है, बनके हो गया है सब्जी, हो गया है। इसको उतार देंगे। एक घंटा सब्जी फूलने के लिए दे दिए, सब फूल गया है। देखिए कितना सुंदर हो गया है। अब इसमें हम चीनी चीनी ऐड करेंगे, चीनी को डालेंगे। अभी चीनी जाएगा सूजी के अंदर। आप लोग को समझ में आ गया होगा हम क्या बना रहे हैं, आप लोग अंदाजा लगा लिए होंगे। हम आज पुआ बना रहे हैं। इधर देखिए दोस्तों दीदी चीनी भी गला रहे हैं, चीनी गल गया है। अब इसमें मैदा डालेंगे, मैदा जाएगा, मैदा सूजी का पुआ बन रहा है। थोड़ा थोड़ा करके इसको मिलाएंगे। पानी और लगेगा देंगे। तो दीदी अच्छे से मिला रही है, देखिए किस तरह से मिला रही है। घोला जाता है तो हम पानी से ही घोल रहे हैं। दूध गरम, मतलब पानी भी गरम हो सकता है, दूध भी डाल सकते हैं गरम। कढ़ाई इधर गरम हो चुका है, तो फर्चून है ना बोतल में तो जम चुका है। ठंड इतना किया है कि फर्चून भी जम रहा है। दीदी उसको थोड़ा सा गरम गरम कर करके निकाल रही है कढ़ाई में। दीदी डाल दी फर्चून सारा लोग की छाकने भर, जितना लगेगा उतना डालेंगे। गरम होगा तब थोड़ा सा इसको डाल के देंगे। बहुत मस्त हो गया घोल तैयार। सूजी और मैदा का, सूजी मैदा चीनी का पुआ है। सिंपल से सिंपल तरीका से हम बनाए हैं। आप मैदा तो आप लोग को किसको किसको पसंद है सूजी मैदा, मैदा। का चीनी का किसको किसको पसंद है कमेंट करके बताइएगा लोग। दीदी अभी थोड़ा सा डाल के ट्राई की, देखिए किसम कितना मस्त से बन रहा है। थोड़ा सा हम देकर ट्राई कर रहे थे, थोड़ा सा देकर ट्राई की दीदी। धीमे धीमे आंच में देना है तो वो चूल्हा में जाएगा। फर्स्ट पहला कोई चीज बनेगा तो पहले थोड़ा सा चूल्हा में डालती है, डालना चाहिए। तो पहला गया हाँ। तो देखिए इधर हो गया है, तो इधर छोटो भी आ गया, बोलता हम टेस्ट करके बताएंगे। तो इधर दीदी निकाल रही है, देखिए कितना मस्त फूला है।
एक एक करके बनाएंगे अभी। तो ऐसे ही दीदी सारा बनाएगी। डाल दी ऑटोमेटिक खुलेगा तब इसको मतलब ये करेंगे। तो ऐसे ही दीदी सारा बना लेगी। तो देखिए दीदी दूसरा वाला भी फुला रही है वैसे करके ऊपर तेल डाल के। छोटी का खाने का मन हो रहा है क्या छोटी? तो देख के छोटी का खाने का मन हो रहा है। देखिए कितना मस्त हो रहा है। किसका नहीं होगा जो वीडियो देखेगा उसका ही हो जाएगा खाने का मन। पुआ सब्जी खाएंगे हम लोग। तो इधर देखिए छोटी चला रही है। पलटा बोली छोटी की मम्मी बनाएंगे। छोटी भी सीख रही है। देखिए कितना सुंदर से बन रहा है। लास्ट वाला है। धीमे धीमे आँच में पक रहा है। इधर सब्जी को उधार दिए है और इसमें साग दी हुई है। साग लाई थी मम्मी तो इधर साग मतलब कढ़ाई में चढ़ाया है। साग तो इधर पक रहा है। इधर छोटी बैठी है खाने के लिए। लाइट भी भाग गया है। लाइट देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है बन गया है। बहुत जोर से भूख भी लग गया। अब जाएंगे खाएंगे हम लोग। अभी चलते हैं तो निकाल के ले रही। तो इधर छोटी खाना लगा रही है ले रही है। इधर पुआ और सब्जी थाली में परोस रही है। छोटी को भूख लग गया है दोस्तों। हम लोग खाने के लिए छोटी लगाई है। आप लोग भी खा लीजिए इसे खा लीजिए। आप लोग भी ये सबसे पहले आप लोग खा लीजिए। लो छोटी टेस्ट करके बताओ कैसा लग रहा है। नया साल में हम लोग पहली बार खा रहे हैं पुआ सब्जी। तो हम भी खाते हैं देखते हैं। बहुत मस्त लग रहा है खाने में। बहुत सॉफ्ट है। देखिए कितना सॉफ्ट है। बहुत मस्त भी लग रहा है खाने में बना के। आप लोग भी सूजी मैदा का बना के ट्राई करिएगा दोस्तों तो अच्छा लगेगा खाने में। तो हम लोग खा लेते हैं। तो हम लोग भी खा लेते हैं। बहुत जोर से भूख भी लग गई है। तो दोस्तों हम लोग खा पी लिए हैं पुआ सब्जी। आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कैसा रहा हमारा पुआ? तो ठीक है दोस्तों आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आएंगे। तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में।